नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम राजस्थान के त्यौहारों से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, बैसाख, भाद्रपद। इसका जवाब होगा ब, चैत्र में। दूसरा सवाल है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली, दशहरा। इसका जवाब होगा दशहरा, ऑप्शन द। तीसरा क्वेश्चन है, विक्रम संवत पंचाल में पंचाल के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीय, चैत्र कृष्ण तृतीय, श्रावण कुशल सप्तमी, रात्रिक कुशण अष्टमी। इसका जवाब होगा ए, चैत्र कुशल तृतीय को मनाया जाता है। आज चौथा सवाल है, किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? जन्माष्टमी, देवउठनी एकादशी, नवरात्रि, बसंत पंचमी। तो इसका सही जवाब होगा ब, देवउठनी एकादशी। पांचवा सवाल है, बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? वैशाख, चैत्र, फाल्गुन और कार्तिक। इसका सही जवाब होगा ब, चैत्र में। तिल चौथ का व्रत किस माह में होता है? माघ, आश्विन, कार्तिक, वैशाख। इसका सही जवाब होगा ब, आश्विन। सातवां सवाल है, श्लेष पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को? इसका जवाब होगा कार्तिक पूर्णिमा को, रास पूर्णिमा कहा जाता है। आठवां सवाल है, जुड़न मियाँ का तमाशा किस त्यौहार के दिन खेला जाता है? शीतलाष्टमी, धुलेड़ी, दशहरा, अक्षय तृतीया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शीतलाष्टमी को। नौवां सवाल है, विक्रम शक में किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र में, वैशाख, फाल्गुन, श्रावण। इसका सही जवाब होगा द, ऑप्शन द, श्रावण में। दसवां सवाल है, विक्रम सुरत पंचाल के अनुसार शीलता अष्टमी किस जाता है दिन मनाई जाती है? ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी में, चैत्र शुक्ल अष्टमी में, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी में, कार्तिक कृष्णा अष्टमी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द, कार्तिक कृष्ण अष्टमी में। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में मनाया जाता है? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। इसका सही जवाब होगा जन्माष्टमी, ऑप्शन द, आश्विन कृष्ण छह। बारहवां सवाल है, राजस्थान में उब छह पर्व कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल छह, भाद्र शुक्ल छह, भाद्र कृष्णा छह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द में, ऑप्शन द। तेरहवां सवाल है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। इसका सही जवाब होगा ब, उदयपुर में। हमारा चौदहवां सवाल है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, बैसाख और माघ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब, चैत्र में, ठीक है। पंद्रह सवाल है, कौन से पर्व के मौके पर दृढ़ बांटा जाता है? नाग पंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली, होली। इसका सही जवाब होगा होली। सोलहवां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है? श्रावण शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल
पक्ष तृतीय श्रावण कृष्ण पक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दे श्रावण कृष्ण पक्ष में। 17वां सवाल है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चित्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बे उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चित्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, कोटा, बूंदी, जोधपुर। इसका सही जवाब होगा नाथद्वारा में। अगला क्वेश्चन, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है, उदयपुर में, भिनाय में, ब्यावर में, बाड़मेर में। इसका सही जवाब होगा भिनाय में, ऑप्शन बे। अगला सवाल है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर, बाड़मेर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महावीर जी। गौर नवमी कहा जाता है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाद्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को। अगला क्वेश्चन, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पूर्व किस माह में मनाया जाता है? अश्विन मास, श्रावण मास, कार्तिक मास, भाद्र मास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बे श्रावण मास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नागपंचमी, तीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से नागपंचमी में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, बैसाख, चैत्र और भाद्र पक्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रावण में निकाली जाती है।